अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो ये रामनवमी आपके लिए खुशियों का संदेश लाई है। इस रामनवमी को अगर सामान्य विधि विधान से लेकिन संपूर्ण मन और चित्त से पूजन और उपाय किए जाएं, तो निश्चित रूप से अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। आइए आपको बताते हैं रामनवमी पर 10 काम की बातें। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करें। नया घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजा अर्चना कर प्रवेश किया जा सकता है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना करें एवं अपनी शक्ति अनुसार माँ दुर्गा के नाम से 9 दीप प्रज्वलित करें। गरीब असहाय लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करें, विशेषकर मिष्ठान वितरित करें। राम का जन्मोत्सव उसी तरह मनाएं जैसे घर में किसी नन्हे शिशु ने जन्म लिया हो। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं, मंदिर में केसरिया ध्वज चढ़ाएं। कन्याओं को उपहार स्वरूप चीजें भेंट करें, विशेषकर पीले फूल, पीली चूड़ियां और पीले परिधान। किसी प्रकार के शुभ कार्य को करने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण दिन है, अतः इस दिन घर में मंगल कलश की पूजा करें और मनचाही खुशियों के लिए प्रार्थना करें। श्री राम नवमी के दिन राम रक्षा स्त्रोत, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड आदि के पाठ से न सिर्फ अक्षय पुण्य मिलता है बल्कि धन संपदा के निरंतर बढ़ने के योग जागृत होते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। श्री राम की सपरिवार तस्वीर का पूजन अवश्य करें। अगर विजय की कामना है तो उनका धनुष प्रत्यंचा वाला स्वरूप पूजन में रखें।